मैं देख रही हूँ ना, ये मुझे विश कर रहे हैं ना कुछ भी, तो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा था। चॉकलेट वाला केक का ऑर्डर दे दिया है क्योंकि इसके चॉकलेट केक बहुत पसंद है। हैप्पी बर्थडे टू यू। रायता, ये है चिकन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं उठ गया हूँ सुबह सुबह और ब्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है मनीषा का है बर्थडे। तो अभी तक जो है मैंने उसको ना तो विश किया है ना ही उससे इस बारे में कुछ बोला है, तो मैं आज उसको देने वाला हूँ एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है। और आप लोग भी कमेंट में मनीषा को विश कर सकते हो और वीडियो अभी से यहीं से आप लोग लाइक कर दीजिए गाइस, तो वीडियो काफ़ी अच्छा बनने वाला है। जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर करूंगा गाइस, वीडियो में बने रहिए गाइस। मैं अभी नहा धो के हो चुका हूँ तैयार और मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट। तो बाहर का मैं शूट नहीं करूंगा क्योंकि मनीषा मेरे साथ नहीं जा रही है। तो देखते हैं मनीषा के लिए मैं क्या लाता हूँ, जो भी लाऊँगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। तो गाइस मैं अभी आया हूँ मार्केट से, तो मैं लेकर आया हूँ मनीषा के लिए साड़ी। तो उसके लिए मैंने साड़ी ली है, पता नहीं इसको पसंद आती है आएगी भी या नहीं। तो अभी बाहर है, मैं इसको जो है कहीं छुपा के रख देता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं उसको गिफ्ट करूँगा उसी टाइम में आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा और इसको अभी कहीं छुपा दूँ। तो अभी जो है मैं इसको रख देता हूँ, पता नहीं चलेगा। तो ये ऊपर मैंने इसके ऊपर रख दिया है, साथ ही केक भी उसके लिए मैं देख कर आया हूँ, वो शाम को मैं लेकर आऊँगा। और जो भी होगा जैसा भी होगा उसे आई होप उसे पता ना चले और साड़ी उसको पसंद आ जाए बस। तो गाइज आज मैंने मनीषा से कहा था कुछ खाने में स्पेशली बनाना, तो देखते हैं मनीषा ने आज क्या बनाया खाने। तो क्या बनाया मैंने मनीषा आज खाने में, क्यों आज स्पेशल क्यों बनाऊं? मैंने बोला था दिखाओ क्या बनाया। तो ये देखिए पनीर बनाया है मनीषा और ये बैगन। तो गाइज जल्दी से खा लेते हैं खाना और आप लोग भी आ जाइए। तो गाइज देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए कमरे में अंधेरा कर रखा है और तीनों के तीनों देखिए वीडियोस देख रहे हैं और दोनों साइड में हीरोइंस। तो गाइज खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर में रेस्ट कर रहा था और अभी जाऊंगा मैं मार्केट। कह रहा हूँ मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ काम से जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम कहाँ जा रही हो? क्या काम है? काम है कुछ मार्केट में, आ जाऊंगा। ठीक है तो गाइज मैंने जो है मनीषा के लिए ये चॉकलेट वाला केक का ऑर्डर दे दिया है क्योंकि इसके चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो ये देखिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है, आई होप उसको भी पसंद आए ये वाला केक। तो गाइज फाइनली जो है मैंने केक पैक करा लिया है और अब सीधे चलते हैं घर। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी घर और देखते हैं मनीषा क्या कर रही है। तो उसको ले जाके देते हैं केक और बर्थडे उसको विश करते हैं। क्या कर रही हो? लो क्या है खाने के लिए लाए? हैप्पी बर्थडे, तुम्हें याद नहीं है? किसका बर्थडे? तुम्हारा बर्थडे है और किसका बर्थडे? अच्छा केक देखो कैसा है। याद था तुम्हें? हाँ याद था, क्यों तुम सोच रही थी मैं भूल चुका हूँ? मुझे तो याद था, मैंने तुम्हें जानबूझ के इसलिए विश नहीं किया कि आज थोड़ा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। केक तो सब लोग, हाँ केक काटो फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है जल्दी से
केक का। तो गाइज आज मनीषा का बर्थडे है, तो मैंने मनीषा से बोला, प्रसाद लेके आया था थोड़ा सा मार्केट से, मनीषा से बोला कि आज तुम पूजा करके प्रसाद चढ़ाओ मंदिर पे। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। 10 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, और मतलब आने वाला था, मुझे ये भी याद था। और कल से अब तक मैं देख रही हूँ ना, ये मुझे विश कर रहे हैं ना कुछ भी, तो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा था कि मेरा बर्थडे, और जैसे इनका बर्थडे आता तो मुझसे जो होता है मैं करती हूँ, पर मैं वही सोच रही थी। मैंने जानबूझ के विश नहीं किया गाइस, मैंने सोचा मनीषा को आज देते हैं सरप्राइज उसके। तो मैं वही सोच रही थी, बताओ कैसे है। तो तुम कितने साल की हो गई, 50 साल की? तो गाइस अभी चल रही है चाय और पकौड़ी, ये देखिए ब्लैक टी, और थोड़ी देर बाद जो है हम लोग केक कट करेंगे। देखिए बच्चे आ गए हैं, निधि, मिठी, अंशु, बस हम लोग फैमिली मेंबर्स ही मिलके मनीषा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्या है? तो गाइज देखिए कौन आया घर पे मनीषा को बर्थडे विश करने के लिए। और देखिए एक केक मैं लेकर आया था, और एक केक ये लोग लेकर आए। देखिए ये मोनिका और अमित। हेलो, कैसे हो? हाय बोलो। हाय बोलो। हाय बोलो। हाय शर्मा। और बढ़िया, बैठो बैठो। तो गाइस देखिए ये केक मैं लाया था, और ये दूसरा केक लाए थे अमित के यहाँ से। तो फाइनली गाइज सभी गेस्ट आ चुके हैं, और मनीषा का केक को कट करेगी ये देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। निधि को दे दो। तो फाइनली केक कट हो चुका है। बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो गाइज मनीषा यहाँ पे केक छोटे छोटे टुकड़े कर रही है, और सबको केक बांटेगी। मजबूर जैसा आंखें। बच्चे ना बहुत बड़ा पीस है, बच्चे पूरा खाएंगे नहीं, आधा तोड़ के दे रही हूँ। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है?
फाइनली केक वगैरह कट हो गया है और सबने केक खा भी लिया है। अब मनीषा देखते हैं रात में क्या बना रही है। तो ये देखिए, ये है चिकन। तो ये चिकन रहा और चिकन के साथ तो चावल ही चलते हैं, है ना। चावल ही बनाओगे ना, और इसमें डालेंगे ये आलू, ये काट के रखे हैं देखिए। और यहाँ मनीषा पीस रही है भी मसाले वगैरह। तो जल्दी से खाना ना बनाओ फिर, है ना, मेहमान वगैरह। तो गाइस मम्मी बांट रही थी प्रसाद, मनीषा ने जो चढ़ाया था प्रसाद वही प्रसाद है ये, मम्मी बांट रही है। तो फाइनली गाइस खाना हो चुका है रेडी, और यहाँ पे जो है मनीषा ने बच्चों को खाना परोस दिया है। हाथ धो लिए अंशु, हाथ धो लो। तो खाना देखिए लग चुका है डाइनिंग टेबल पे। तो देखिए क्या क्या खाने में, यह है रायता, यह है चिकन, और यह है राइस, और ये मिक्स वेज, और ये है तंदूरी रोटी। तो मनीषा परोस रही है खाना। गाइज अमित और मोनिका जा रहे हैं घर। तो इन्होंने तो आज सरप्राइज विजिट दे दिया है, अचानक से आ गए। मनीषा का बर्थडे कहाँ से देखा था तुमने अमित? फेसबुक से, हाँ। तो अचानक से आ गए केक वगैरह लेके, बहुत अच्छा लगा। हाँ 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 मनीषा को सरप्राइज मिली आज एक। हाँ चलो संभल के जाना फिर, है ठीक है, बाय बाय। तो गाइस फाइनली जो है सब लोग घर चले गए हैं, और लास्ट में मनीषा और मैं और मम्मी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। रोटी खाओगे? हाँ रोटी खा लूंगा। अंशु जैसा कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। लो हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो मैं उस वक्त दे नहीं पाया क्योंकि गेस्ट आ गए थे। अरे मैंने छुपा के रखा था, अलमारी के ऊपर रखा था, शायद धूल लग गई है, अंदर पन्नी से पैक है, नहीं खाली डिब्बा। देखो निकाल के तुम्हें पसंद आता है या नहीं। देख लो पन्नी से निकाल के देखो। हाँ तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे लिए होगा। कैसा लगा? तुम्हें पसंद तो आया ना? क्यों? नहीं अच्छी लगी। अच्छा पसंद नहीं आया? आया कितना?
कितना पसंद आया। चलो ठीक है हाँ गाइस, कमेंट में बताना क्या मेरी पसंद अच्छी है या नहीं। नहीं कोई बात नहीं, वो अब कहता रहा हूँ, उस वक्त गेस्ट लोग आ गए थे अचानक, तो मनीषा को फिर जल्दी जल्दी खाना आना भी बनाना पड़ा, तो और कभी पहन के दिखाना, अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, पहनोगी तो पता चलेगा। तो गाइज आज कुछ इस तरीके से मनीषा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मैंने उसका सरप्राइज़ बर्थडे सोच रखा था, तो वो तो हुआ ही हुआ। साथ ही जो हमारे मामा जी हैं, बड़े मामा जी, तो उनके बेटे अमित और उनकी वाइफ मोनिका, तो वो दोनों आए और उन्होंने भी सरप्राइज़ दिया मनीषा को, मतलब उनको पता था, वो लोग केक वगैरह लेकर आ गए और मनीषा को डबल सरप्राइज़ मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो तुम्हारा हक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था ये लोग करेंगे पर किया, अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था, पर बिना सोचे कोई काम हो और वो भी सरप्राइज, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।